अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, विद माय नेक्स्ट वीडियो वेलकम बैक। दिस इज़ कॉमन डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुतालिक हमने पहले पढ़ा, अब हम उसकी डिजीज़ के मुतालिक जो है वो जानेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डिजीज़ हैं उनमें सबसे पहले कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, लंग कैंसर, ये सब की सब जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ हैं। बट इन ओवर चैप्टर वी डिस्कस ओनली अबाउट कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड आम सर्दी का ज़ुकाम, जो आम सर्दी लग जाना उससे जो ज़ुकाम होता है उसे कॉमन कोल्ड बोलते हैं। आम ठंड जो लग जाती है हमें उसे कहते हैं कॉमन कोल्ड। द कॉमन कोल्ड इज़ अ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक कॉमन डिसऑर्डर है, जिसमें के जो हमें कुछ सिम्टम्स और कुछ कॉजेस होती हैं उसकी, इसको होने में उसमें क्या है, इसकी कॉजेस क्या है, यानी इसकी वजह सबब क्या है इसका होने का। उसमें द वायरस ऑफ कॉमन कोल्ड कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब ये इंसान से इंसान में जाता है कैसे, बाय कफिंग, खांसी के ज़रिए, स्नीजिंग, छींकने के ज़रिए, और टचिंग या किसी चीज़ को हाथ लगाने से। थिंग्स ऑफ अ कॉमन कोल्ड पेशेंट, जैसे कोई ग्लास हो, कोई बुक हो, उसमें उसने स्नीज किया हो, हाथ पे लगा हो, कोई भी ऐसे वायरस वगैरह हाथ पे आ जाएं और उससे हम उस चीज़ को हाथ लगाएं तो उससे जो है हमें ये फैलता है। ठीक है जी, क्या है, थिंग्स ऑफ कॉमन कोल्ड पेशेंट, जो चीज़ें जिसको कि कॉमन कोल्ड हुआ हो, उसने उन चीज़ों को हाथ लगाया हो, उसको कोई छुए, उसको कोई हाथ लगाए, तो उससे जो है ये डिजीज़ फैलती है। ओके, इसके सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कॉमन कोल्ड है, आम सर्दी का ज़ुकाम है, तो इसके सिम्टम्स ये हैं कॉमन कोल्ड के, आर सोर थ्रॉट, गले में दर्द होती है, कफ, खांसी आती है, रनिंग नोज, हमारा नाक जो है वो बहता है, और कंजेशन यानी इसमें ब्लड में रुकावट होती है, स्नीजिंग, छींकें आना, हेडेच, सर का दर्द होना, ये तमाम इसकी जो है क्या है कि सिम्टम्स हैं, अलामात हैं। इसको हम एहतियात के ज़रिए रोक कैसे सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं। देयर इज़ नो प्रॉपर मेडिसन फॉर द कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के लिए कोई प्रॉपर मेडिसन नहीं है, बट वी मे ऑब्जर्व सम मेजर्स। हम कुछ मेजर्स को एहतियात के ज़रिए, कुछ मेजर्स को, कुछ एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करके जो है हम इससे रोक सकते हैं, इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। गेट लोड्स ऑफ रेस्ट, बहुत ज़्यादा आराम करें, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड, बहुत ज़्यादा लिक्विड्स लें, लिक्विड मनी जूसेस वगैरह, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सिट्रस जूस जो है जिसमें लेमोनेट वगैरह, लेमन का जूस वगैरह या ऑरेंजेस वगैरह का जूस होता है वो भी इसको कंट्रोल करता है इसमें, यानी लिक्विड हमने ज़्यादा लेना है। एंड इफ़ सिम्टम्स परसिस्ट, अगर ये बरकरार रहें, परसिस्ट करें, तो कंसल्ट योर डॉक्टर, और इसकी कोई प्रॉपर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर ही जो है आपको रिकमेंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई स्पेशल नहीं है कि जो आप लें। इसमें बस ये है कि आपने रेस्ट करना है और ज़्यादा सारे लिक्विड्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना है। इसे आम ठंड का जो है ज़ुकाम कहा जाता है कॉमन कोल्ड को। ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की एक जो है वो बीमारी है, जो हमने डिसऑर्डर है जो हमने इसमें पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में की डिसऑर्डर्स में। इसके बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हमारी निमोनिया है। निमोनिया जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेसन में करते हैं, जो मैं अभी इसके बाद अपलोड कर देती हूँ। आप लोगों को अगर समझ आती है, आपको, आप पसंद करते हो मेरी वीडियोस को, तो इसको लाइक किया करो और कमेंट भी किया करो। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप ज़रूर पूछा करो, ताकि मैं आपको उसका आंसर दूँ और आपको बताऊँ, ठीक है। और बेल के बटन पर भी ज़रूर क्लिक किया कीजिए, और अपने साथियों को जो कि सेवन्थ ग्रेड में हैं, सेवन्थ क्लास में हैं, आप उनको ज़रूर रिकमेंड करो कि ये हमारी जो बुक है थ्रू पूरी सरारी मैंने स्टार्ट से की है, और हम इसको एंड तक इंशाल्लाह ताला लेके चलेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ हाजिर होती। अल्लाह हाफिज़।